भाई पारिवारिक रूप से भी वो लगभग उनका बेटा भी चला गया, जवान बेटा भी 25-25 साल का लड़का। और अरे बहुत बहुत सारी मंडलीय ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारी संघ का इन लोगों का बैठक है। इसमें सरकार द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही है इस पर मंथन हो रहा है कि इसको कैसे और सही ढंग से लॉन्च किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। और गांव में जो कार्य करने में दिक्कतें आती हैं, जो समस्याएं हैं, चाहे शौचालय हो, चाहे 14वां विराज भी, चाहे मनरेगा हो, चाहे अन्य जितनी भी योजनाएँ हैं, उसी के प्लस यहाँ पर स्वच्छता कार्यक्रम को लेकर लोगों में और सामग्री इंसिनेटर लगाया गया है, और भी जो गांव में कूड़े कचरे उठाने के लिए ट्राई साइकिल है, स्कूलों में बच्चों के लिए जो खेल कूद का है, तो उसका भी प्रदर्शन है कि इन लोगों का प्रयास है कि हम ग्राम पंचायतों की धनराशि से स्वच्छता के क्षेत्र में और अच्छे कार्य करें तथा जो आवश्यक वस्तुएँ हों बच्चों को दें और गाँव में कूड़े कचरे की व्यवस्था के लिए और शौचालय की उपयोगिता पर बढ़ावा दें। जिले के उद्योग आरिका इंटरप्राइजेस का स्वामी हूँ। सरकार की प्रगतिशील सोच को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये कचरा गाड़ी बच्चों के खेल कूद के सामान के लिए, ये खेल का कूद का सामान तथा महिलाओं के लिए ध्यान में रखते हुए इंसिनरेटर इसका निर्माण किया है, जिससे बच्चों और महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी सुविधा मिलेगी। और इस काम में भागीदारी होने के कारण मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। साहिबा का स्वागत करता हूँ, वीडियो साहिबा कौन का स्वागत करता हूँ, वीडियो साहिबा पहाड़ी। हम लोगों की ताकत ऐसे हमारे श्री ललित तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे सुरक्षक महोदय हैं माधवनाथ तिवारी जी, राज्य पंचायत शिक्षक परिषद के जिला अध्यक्ष सोनभद्र। बड़े भाई शिव का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि ये आपके लिए लाइफ में पहला एक अधिवेशन इस टाइप की कोई मीटिंग होगी संगठन के मंच पर, जिसे आप लोग समझ सकते हैं। साथ ही हमारे 50 ग्राम विकास अधिकारी साथी भी एवं उपस्थित हमारे ग्राम पंचायत के साथी मेरे वरिष्ठ सहयोगी साथियों, योजनाओं को लेकर योजनाओं के संचालन में अभी परसों में डीजे साहब का हमें एक अभियोजन से बिठा था पत्र करना जल्दी सब कुछ हुआ। सोनभद्र और मिर्जापुर तो बाकायदा के साथ दिया था।